हेलो एंड वेलकम टू जावाडी पॉइंट और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कर्सर इन एस्क्वेल तो आज हम देखेंगे कर्सर क्या होते हैं और कर्सर को कैसे काम करते हैं ठीक है ठीके? तो लेट स्टार्ट ओरेकल क्रिएट्स कर्सर इन एस्क्वेल ओरेकल क्रिएट्स अ मेमोरी एरिया

मेमरी एरिया मतलब ओरेकल एक मेमरी एरिया बनाता है नोन एज कॉन्टेक्स्ट एरिया जिसे हम लोग कॉन्टेक्स्ट एरिया कहते हैं क्या करने के लिए फॉर प्रोसेसिंग एंड एसक्यूएल स्टेटमेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट की प्रोसेसिंग के लिए विच कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर प्रोसेसिंग द स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ रोज प्रोसेट एक्सेट्रा कर्सर अब आती बात कर्सर क्या तो अभी तक तो ओरेकल क्या करता है ये पढ़ा लेकिन कर्सर क्या कर्सर इज अ पॉइंटर टू दिस कॉन्टेक्स्ट एरिया तो ये जो हम कॉन्टेक्स्ट एरिया की बात कर रहे थे उसी का जो पॉइंटर है तो कर्सर एक मेमोरी एरिया बनाता है ओरेकल मेमोरी एरिया बनाता है उस मेमोरी एरिया को कॉन्टेक्स्ट एरिया बोलते हैं और उस कॉन्टेक्स्ट एरिया को जो पॉइंट करता है पॉइंटर जो है उसको बोलते हैं कर्सर सो कंट्रोल से कॉन्टेक्स्ट एरिया SQL क्या करता है कॉन्टेक्स्ट एरिया को कंट्रोल करता है थ्रू कर्सर कर्सर के थ्रू क्या करता है उस मेमोरी एरिया को कंट्रोल करता है अकर्सर होल्ड द रोज कर्सर होल्ड रोज वन और मोर कर्सर क्या करता है एक से ज्यादा रोज को होल्ड करता है, तो है मान लो कि हमने कोई स्टेटमेंट लिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम तो उसमें सेवन रोज निकल के आए तो वो एक्टिव सेट में समय क्या होगा सेवन रोज होंगे क्लियर और कर्सर क्या होता है पहले बात फिर से बता, एक मेमोरी एरिया बनाता है मेमोरी एरिया बनाता है इस मेमोरी एरिया को क्या बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट एरिया कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट एरिया बोलते हैं और इस कॉन्टेक्स्ट एरिया में जो पॉइंटर होता है

एक नंबर है नेम और एक है एड्रेस अब उसके अंदर मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है वन जॉन और जी जेड बी तो अब अब क्या होगा आप मुझे बताओ तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी मेमोरी में जाएगी तो जिस मेमोरी एरिया में जाएगी वो क्या होगा वो कॉन्टेक्स्ट एरिया होगा तो क्या होगा फॉर इंसर्ट ऑपरेशन द कर्सर होल्ड द डेटा दैट नीड टू बी इंसर्टेड तो इसको इसको होल्ड करके रखेगा कर्सर फॉर अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशन द कर्सर आइडेंटिफाइज द रोज टू बी एफेक्टेड और अगर मुझे किसी को अपडेट करना है या किसी को डिलीट करना मान लो इसमें कई सारे रोज हैं

एक है परसेंटेज नॉट फाउंड और एक है परसेंटेज रो काउंट तो याद रखना कुछ हमारे रो काउंट हम तो चलो स्टार्ट करते हैं देखते हैं परसेंटेज फाउंड का क्या मतलब परसेंटेज फाउंड कह रहा है परसेंटेज फाउंड रिटर्न ट्रू परसेंटेज फाउंड ट्रू रिटर्न करता है इफ इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंटेक्टेड इन टू इंसर्ट अपडेट या ने कुछ किया है, मतलब कुछ किया मतलब मिला मान लो हमने लिखा इंसर्ट और इंसर्ट हुआ ही नहीं हमने लिखा अपडेट और अपडेट हुआ नहीं और डिलीट लिखा डिलीट हुआ नहीं तो percentage found में क्या आएगा कुछ भी नहीं आएगा लेकिन अगर तब वो फॉल्स रिटर्न करेगा लेकिन अगर कुछ रिटर्न कुछ काम हुआ है तो वो क्या रिटर्न करेगा ट्रू रिटर्न करेगा ठीक है और रोज इंटू सेलेक्ट इन स्टेटमेंट रिटर्न वन और मोर रोज ठीक है फिर वो जो भी रोज रिटर्न हो अदरवाइज रिटर्न रिटर्न फॉल्स अदरवाइज वो क्या करेगा अगर कुछ काम हुआ है तो ट्रू रिटर्न करेगा अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा परसेंटेज नॉट फाउंड उल्टा है फाउंड का द लॉजिकल अपोजिट ऑफ परसेंटेज फाउंड इज परसेंटेज नॉट फाउंड क्या है मतलब इट रिटर्न ट्रू इफ इंसर्ट अपडेट और डिलीट स्टेटमेंट अफेक्ट नो रोज अगर हमने इंसर्ट किया अपडेट किया डिलीट किया और कुछ भी नहीं हुआ तो हम क्या रिटर्न करेंगे ट्रू हम काम ही ही चेक क्या क्या कुछ नहीं हुआ हा कुछ नहीं हुआ और सेलेक्ट इंटू स्टेटमेंट रिटर्न नो रोज या सेलेक्ट इंटू स्टेटमेंट हमें कोई नो रोज रिटर्न कर रही तो हम कहेंगे हाँ कि कुछ नहीं हुआ अदरवाइज ये क्या रिटर्न करेगा फॉल्स अगर मान लो कुछ हो गया तब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो जस्ट अपोजिट है नंबर वन का अपोजिट क्या है नंबर टू के नंबर वन जो हमारा है परसेंटेज फाउंड इसका अपोजिट गए नंबर टू अब चलो इज ओपन ऑलवेज रिटर्न फॉल्स फॉर इम्प्लिसिट कर्सर मैंने अभी अभी बताया आपको कि इंप्लिसिट कसर को आप टच नहीं कर सकते प्रोग्रामर टच नहीं कर सकता तो उसको हम ओपन कैसे करेंगे ओपन तो वो अपने आप ही होगा ना तो ऑलवेज रिटर्न फॉल्स फॉर बिकॉज क्यों ओरेकल क्लोज द कर्सर ऑटोमेटिकली क्योंकि ओरेकल जो, जो SQL cursor न, ये, ये जो एक्सक्ल कर्सर है ना इसे ये जो इंप्लीसिट कर इसे अपने आप ही बंद करेगा आपको जरूरत नहीं है इसको ओपन और क्लोज करने की आफ्टर एग्जीक्यूटिंग इट एसोसिएटेड एस्क स्टेटमेंट उसकी जब वो एसोसिएटेड एस्किल स्टेटमेंट को वो प्रोसेस कर देगा तो वो अपने आप बंद कर देगा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ठीक है परसेंटेज Row count. Row count का क्या मतलब है? अब अगर पांच हमने इंसर्ट कर दिया या चार लोगों को डिलीट कर दिया, या तीन वैल्यूज अपडेट हो गई तो काउंट वो करेगा चार अगर चार रो अपडेट हुई तो चार रिटर्न करेगा और रिटर्न बाय सेलेक्ट इनटू स्टेटमेंट क्लियर तो ये चार जो इसके थे उनको आपको ध्यान रखना है अब आती है बात आगे की आगे चलते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर तो अभी तक हमने इम्प्लिसिट कर्सर देखा था मैंने बताया था दो तरीके के कर्सर एक इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट अब एक्सप्लिसिट पढ़ते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है एक्सप्लिसिट कर्सर और प्रोग्रामर डिफाइंड कर्सर ये हम बना रहे हैं

फिर लिखेंगे कर्सर का नाम फिर इज इंपॉर्टेंट इज फिर जो सेलेक्ट स्टेटमेंट आपको लगानी है वो लगाएंगे आप क्लियर वर्किंग विद एन एक्सप्लिसिट कर्सर इंक्लूड द फॉलोइंग स्टेप अब आती है बात अगर हम एक्सप्लिसिट कर्सर पे काम कर रहे हैं तो कितने स्टेप्स लगते हैं ये इंपॉर्टेंट बात है क्लियर पहले बात हो आपको सिंटेक्स समझ में आया है? मैं पहले बोलना सबसे पहले आप लिखोगे कर्सर फिर आप लिखोगे कर्सर का नाम फिर लिखोगे इज फिर लिखोगे सेलेक्ट स्टेटमेंट अब क्या बोल रहा है कि अगर हम एक्सप्लिसिट कर्सर पर काम कर रहे हैं तो हमारे फॉलोइंग स्टेप्स लगते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं पहला देखो डिक्लेरिंग द करसर फॉर इनिशलाइजिंग द मेमरी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कर्सर को डिक्लेयर करेंगे ताकि हम लोग मेमरी इनिशलाइज कर सके क्यों क्योंकि कर्सर क्या है कॉन्टेक्ट एरिया का पॉइंटर ही तो है मेमरी का ही तो पॉइंटर है तो हमें डिक्लेयर करेंगे कसर को बताने के लिए के भाई मेमरी इनिशलाइज करो चलो ओके okay. दूसरा काम अब उसको ओपन करेंगे ओपन द कर्सर फॉर एलोकेटिंग द मेमरी मेमरी को अब हम ओपन कर देंगे क्लियर कसर फॉर एलोकेट अब हम मेमरी को एलोकेट करेंगे क्लियर फिर फैचिंग द कर्सर आप कर्सर को हम फैच करेंगे फैचिंग द कर्सर फॉर रिट्रीविंग द डेटा आप अब कर्सर में डेटा आ गया आप उसको फैच करेंगे ना सबसे पहले मेमोरी एलोकेट मैंने मेमोरी इनिशियलाइज की डिक्लेयर किया इनिशियलाइज किया मेमोरी फिर उसको एलोकेट की मेमोरी फिर क्या किया कर्सर मेमोरी में डेटा आ गया फिर उसको फैच किया और उसके बाद क्लोज द कर्सर आप कर्सर को क्लोज करेंगे ताकि हम वो जो मेमोरी हमने यूज़ की थी उसको रिलीज कर दें क्लियर ये काम हम करेंगे चलो आगे बढ़ते हैं अब

जो हम मिलते सेलेक्ट आई डी नेम एड्रेस फ्रॉम कस्टमर्स मतलब कस्टमर मेरा एक टेबल है जिसमें से ये उसके कॉलम है ठीक है उसके ऊपर मैंने क्या बनाया कर्सर बनाया और वो किसके ऊपर लग रहा है इस इस सेलेक्ट स्टेटमेंट के ऊपर लग रहा है तो ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन पार्ट

अब हम फैच करना शुरू करेंगे फैच करेंगे तो फैच कैसे करेंगे? फैचे करेंगे। फैचे वन और वन रो का मतलब क्या? एक उठाई, उठाई, फिर फिर दूसरी रो फिर तीसरी उठाई, एक एक रो करके उठाते रहेंगे फॉर एग्जाम्पल वी विल फैच रोज फ्रॉम अबेंड कर्सर एज फॉलो कैसे फैच करेंगे फैच ठीक है सी कस्टमर कस्टमर हमारा कर्सर का नाम था इन टू नेम और सी एड्रेस तो हम ये जो हमने बनाया था ना हम क्या सेलेक्ट क्या कर रहे हैं आईडी नेम और address. और एड्रेस इसको फेच कहां करा सी आई डी में नेम में और कहां पे एड्रेस पे इसको यहां फेच करा दे रहे हैं तो फेच करो इस जगह फिर क्लोजिंग तो जैसे ओपन कर रहे थे ओपन के लिए ओपन लिख रहे थे क्लोज के लिए सिर्फ क्लोज लिखेंगे तो क्लोजिंग क्या करेगा वो जो मेमोरी हमने एलोकेट की थी उसे क्या कर देगा रिलीज कर देगा बस इतना ही ओके okay. तो अब हम लोग ये देखते हैं तो लेट्स स्टार्ट अब हमने ये देखा कि हमने सबसे पहले क्या किया डिक्लेयर किया डिक्लेयर सेक्शन में गए ओके okay. सबसे पहले डिक्लेयर सेक्शन में क्या करते हैं कर्सर का नाम देते हैं तो करसर और कसर का नाम दिया सी एम फिर मैंने क्या? इस सेलेक्ट सेलेक्ट जो मैं आपको बार बार बता चुका हूं क्या सेलेक्ट करना है ई ई और नेम e कहां से फ्रॉम एम्प से ये जो मेरे पास टेबल है इसमें से क्या सेलेक्ट कर लिया मैंने ई और ई e नेम ठीक है अब कर लिया फिर मैंने बिगिन सेक्शन में और मैंने मेंसर को ओपन किया करसर का नाम क्या था सी एम उसको ओपन किया अब लूप लगाया लूप क्यों लगाते हैं जब हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है और मुझे बार बार करके एग्जीक्यूट करना है तो हमारे पास एक से ज्यादा रोज है और एक से ज्यादा रोज को मुझे बार बार क्या करना है फेच करना है तो क्या करना है मैंने लूप लगा दिया मैंने लू फैच सी इम अब इस, इस c imp cursor को fetch करो into कहाँ पे c id एक वेरिएबल बनाया और सी नेम एक variable बनाया मतलब ई e id c सी में आ जाएगा ई e नेम यहां पे आ जाएगा

फिर ऊपर गया अब उसने सी आई डी और सी नेम सीने क्या किया उसने फिर चेक किया कि एम टी तो नहीं, नहीं एम टी नहीं तो फिर उसने दूसरा प्रिंट किया फिर तीसरा फिर चौथा फिर पांचवा फिर अगली बार जब गया तो जब उसने सी आई डी और नेम का फेच किया तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं था जब यहाँ पे कुछ नहीं था तो ये कंडीशन क्या हो गई अब अब ये कंडीशन क्या हो गई True हो गई और जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वो लूप से बाहर आ जाएगा क्लियर और लूप से बाहर आके क्लोज करेगा सीएम को कर तो ये था ओवरऑल कर्सर है क्या तो अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावाटी पॉइंट प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू